फ्रेंड मैं मोहम्मद तब्रेज, आप देख रहे थे एक नरसिप चैनल। सो गाइस, ये वीडियो सिर्फ कतर में रहने वालों के लिए, यानी कि ये वीडियो मैंने सिर्फ जो लोग कतर में रह रहे उनके लिए बनाया है। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा जो कतर के हाला और रोदो सिम से नेपाल, इंडिया, बांग्लादेश के सिम पे पैसा कैसे ट्रांसफर करोगे, यानी कि कतर के हाला और रोदो सिम से नेपाल, इंडिया, बांग्लादेश के मोबाइल नंबर पे आप यहां से कैसे बैलेंस भेजोगे। देखिए कतर में क्या होता है, हम लोग जाते हैं दुकान में और दुकान में जाने के बाद हम अपने घर पे पैसा भेजते, तो वहां पे दो प्रॉब्लम हो जाता है। एक तो आपको, आप अपने रूम से वहां पे चल के जाते हैं, और दूसरा आपके घर का मोबाइल नंबर जो है वो दुकान वाला जान जाता है, आपका प्राइवेट जो है लीक हो जाता है। तो इससे अच्छा हम ये क्यों नहीं करेंगे, जो हम अपने रूम में बैठ के हम अपने मोबाइल से नेपाल, इंडिया, बांग्लादेश किधर भी हमें पैसा भेजना हो तो हम अपने रूम से हम अपने मोबाइल से पैसा भेज लेंगे। तो यही सब मैं आज आप लोगों को सिखाने वाला हूँ, तो एकदम आसान तरीका है, बस आप ये वीडियो को शुरू से लेके एंड तक का देखिए। और यार आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप जो वीडियो देख रहे हो उसके नीचे देखिए रेड कलर का लिखा होगा, वहां पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ में बेल आइकन घंटी को भी दबा दो। और अगर आप लोगों ने पहले से चैनल को सब्सक्राइब किए हुए तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और ये पूरा वीडियो देखने के बाद प्लीज हमें कमेंट करके बताइए जो आपको ये वीडियो पैसा भेजने वाला कैसा लगा। तो बने रहिए इस वीडियो में हमारे साथ, बताते छोटा सा इंट्रो के बाद। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ, जो कतर के हाला और रोदो सिम से नेपाल, इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान के सिम पे पैसा कैसे ट्रांसफर करेंगे, यानी कि कतर के और रोदो हाला सिम से नेपाल, इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान के मोबाइल नंबर पे यहाँ से कैसे बैलेंस भेजेंगे। तो इसके लिए मैं अपने मैसेज बॉक्स को ओपन कर लेता हूँ और आपको भेज के दिखा देता हूँ। तो मैं ये मैसेज बॉक्स को ओपन कर दिया, और इसके बाद हम यहाँ पे प्लस के आइकन पे क्लिक कर देंगे, और फिर हम यहाँ पे नीचे में लिखेंगे, बड़ा स्पेलिंग में आपको सेंड लिखना पड़ेगा। तो मैं जैसे जैसे लिख रहा हूँ वैसे वैसे आप लिखिए, उसके बाद हो जाएगा। तो हम यहाँ पे बड़े स्पेलिंग में सेंड लिख देते, और उसके बाद आप यहाँ पे स्पेस दे दीजिए, और उसके बाद आपके कंट्री का, यानी कि आप नेपाल भेज रहे, इंडिया या पाकिस्तान, जो भी कंट्री में पैसा भेजना चाहते हैं तो वो कंट्री का यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल दीजिए और वहाँ का कोड नंबर डाल दीजिए। तो फिलहाल मैं नेपाल में पैसा भेजना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे नेपाल का कोड नंबर डाल देता हूँ और वहाँ का नेपाल के मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल देता हूँ। तो मैं यहाँ पे कोड नंबर डाल देता हूँ, और उसके बाद सॉरी दोस्तों, मैं यहाँ पे मोबाइल नंबर थोड़ा जो शो नहीं करूँगा, हाइड कर दूँगा, क्योंकि ये मेरा पर्सनल नंबर है। तो मैं यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल देता हूँ, और यहाँ पे हम अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल दिए। तो आप ये याद रखिए, सेंड बड़े स्पेलिंग में लिखना पड़ेगा, उसके बाद स्पेस दीजिए, और जो कंट्री में आप पैसा भेजना चाहते हैं वो कंट्री का मोबाइल नंबर और वहाँ कंट्री का कोड डालिए, और उसके बाद इसको सेंड करना है कौन सा नंबर पे, चलिए मैं आगे आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे ऊपर में देखिए 2 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम सेंड नंबर डालेंगे, जो नंबर पे हमें सेंड करना है। तो हम यहाँ पे ऊपर में आप यहाँ पे डालेंगे 9226, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 9226। आप यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर में, अब आपका नेपाल हो या इंडिया हो या बांग्लादेश या पाकिस्तान, कहीं भी भेज रहे हैं तो यही नंबर पे आपको पैसा ये सेंड करना पड़ेगा, ये लिख के सेम ये नीचे का सेंड और आपका मोबाइल नंबर, और उसके बाद सेंड करने का नंबर आपको ऊपर में मैं जो लिख दिया हूँ 9226, यही नंबर आपको सब कंट्री में लगेगा। और उसके बाद ये सब लिखने के बाद यहाँ पे आप सेंड कर दीजिए। तो सेंड करने के बाद आपको 2-3 सेकेंड इंतज़ार करना पड़ेगा, उधर से मैसेज आएगा जो आप कितना पैसा भेजना चाहते। तो ये मैं सेंड कर दिया, और उसके बाद हम 2-3 सेकेंड यहाँ पे इंतज़ार कर लेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा मैसेज जो है आ चुका है वहाँ से। तो अब इसे हमें रिप्लाई करना पड़ेगा, तो रिप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा जो आप इसमें कितना पैसा आप अपने मोबाइल नंबर पे भेजना चाहते। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 200 रुपया में आपको 9.91 रियाल कतर का कटेगा, और यहाँ पे देखिए 300 में आप 300 नेपाली भेजना चाहते तो यहाँ पे 14 रियाल आपका कटेगा। अगर आप 500 रुपया नेपाली भेजना चाहते तो यहाँ पे 24 रुपया आपका कटेगा। तो आपको जो भी भेजने का है तो इसमें से एक सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो हम फिलहाल जो है 200 रुपया इसमें से भेजना चाहते हैं, तो 200 भेजने के लिए यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे देखिए 1 लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, तो हम 1 लिखेंगे यहाँ पे, और 1 लिख के यहाँ पे हम इसे सेंड कर देंगे। तो हम ये 1 यहाँ पे लिख लिए, और उसके बाद हम इसे सेंड कर देंगे। तो यहाँ पे हम सेंड कर देते हैं, और फिर हमें 2-3 सेकेंड यहाँ पे इंतज़ार करना पड़ेगा, वहाँ से फिर एक मैसेज आएगा और हमें उसे रिप्लाई करना पड़ेगा। तो चलिए इसे हम सेंड कर देते हैं,
तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा मैसेज जो यहाँ पे आ गया हुआ है रिप्लाई करने के लिए। तो ये यहाँ पे मैसेज में लिखा हुआ है, जो आप श्योर यहाँ से पैसा आप भेजना चाहते हैं नेपाल, तो आप अगर भेजना चाहते हैं तो वाई टिप दीजिए, अगर आपको कैंसिल करना है यहीं पे से स्टॉप करना नहीं भेजना है तो एन टिप के और यहाँ पे सेंड कर लीजिए। और उससे पहले आपको यहाँ पे एक और बात आपको समझा देता हूँ, यहाँ पे देखिए आपको 200 रुपया नेपाली रुपया भेजेगा तो यहाँ पे 9 रुपया 91 पैसा जो है 9 रियाल 91 पैसा कटेगा और 50 पैसा जो है आपको ये भेजने का सेंड चार्ज लगेगा। तो अगर भेजने का है तो आप वाई लिख के सेंड कर दीजिए और यही से स्टॉप करने का है तो एन लिख के सेंड कर दीजिए, आपका स्टॉप हो जाएगा। अगर तो ये पैसा मेरे को भेजने का है तो मैं यहाँ पे वाई लिख के और यहाँ पे सेंड कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे वाई लिख दिया हूँ और यहाँ पे सेंड कर देता हूँ। और हम यहाँ पे थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं, यहाँ पे खुद ब खुद मैसेज आ जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारे मोबाइल में मैसेज आ गया जो आपका पैसा यहाँ से 200 रुपया चले गया। तो आपको 10-15 सेकेंड जो है कभी कभी टाइम लग जाता है, इंतजार करना पड़ जाएगा मैसेज आने में, कटने में और पैसा जाने में, तो आप घबराइएगा नहीं, आपका पैसा चले जाएगा। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है यू हैव सक्सेसफुल सेंट NPR 200 रुपया, यानी कि 200 रुपया नेपाल का, और उसके बाद 9 रुपया 91 पैसा हमारे को कतर का यहाँ का कटा है और 50 पैसा आपको चार्ज लगेगा। ठीक है, तो ऐसा करके आप नाइट में, दिन में, किसी टाइम भी आपको इमरजेंसी पड़े तो आप अपने मोबाइल से जो है, आप अपने सिम के, हाला के सिम से, उर्दू के सिम से, आप नेपाल, इंडिया, बांग्लादेश एकदम आसानी से वहाँ के सिम पे पैसा भेज सकते हैं। बस आपको ये कोड याद रखने का है 9226, ये कोड को आप अपने बुक में लिख के रख लीजिए, इसी नंबर पे आपको पैसा भेजने का है तो इसी नंबर पे सेंड करना पड़ेगा।